गांव का वो चौकीदार जो रात हो या दिन अपने काम को बेखूबी निभाता है, हर किसी के सामने हाथ जोड़ने को मजबूर हो जाता है। आखिर कैसे होते हैं गांव के चौकीदार? ब्रिटिश हुकूमत के जमाने से लगातार संघर्ष की जिंदगी जीते हैं चौकीदार। गांव की रखवाली करता ही चौकीदार अपने परिवार को कम पैसों में भी पाल लेता है चौकीदार। बड़े बड़े नेता महानुभाव के सामने हाथ जोड़ लेता है चौकीदार। बच्चे बोलते हैं, पापा मुझे भी ये खिलौना चाहिए, पर पापा इतना मजबूर होता है कि उसके पास पैसे इतने नहीं होते। हालात ना पूछो ए जनाब, ये जिंदगी 50-50 सी लगती है। बच्चों के सपने भी पूरे नहीं हो पा रहे। आखिर करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ? ये गांव के चौकीदारों की पीड़ा है। ये वो चौकीदार जो प्रशासनिक अंग माने जाते हैं, लेकिन दुर्भाग्य को देखिए, सरकारें आई और चली गई, लेकिन इनके बारे में अभी तक कोई विचार विमर्श नहीं किया गया। हालांकि फूटन की वजह से, एकत्रित न होने की वजह से आज ये विभाग इतना पिछड़ा हुआ है, जो शायद शर्म आती है कि 2500 रुपए में आखिर ये अपना घर कैसे चलाते हैं। कहने को तो 2500 में दो दिन की ड्यूटी बताई जाती है, लेकिन ये ग्राम चौकीदार हर किसी का दुश्मन बन जाता है। अगर वो ईमानदारी पूर्वक कार्य करता है तो उसके लोग उसके पीछे पड़ करके उसके नाम से FIR फर्जी करवा करके उसकी चौकीदारी को निरस्त करवा देते हैं। थाने पर जाते हैं तो वहां पर कपड़ा लत्ता, झाड़ू पोछा, बर्तन सब कुछ करता है चौकीदार। जबकि देखा जाए तो प्रशासनिक अंग के मुताबिक इनका कार्य होता ही सिर्फ सूचना देने का। लेकिन कहते हैं कम वक्त ये बुरा वक्त ही कुछ ऐसा होता है जो हर कुछ करवाने को मजबूर कर देता है। क्या गांव का चौकीदार इस दर्द भरी पीड़ा में जी करके क्या लोगों को दुआ देगा या नेताओं को दुआएं देगा? जी नहीं। आज जिस तरह से लगातार खेला हो रहा है, लगातार इन ग्राम चौकीदारों को बेवकूफ बनाने का सिलसिला लगातार जारी है। आखिर इनका कौन सा दोष है जिस दोष की वजह से आज इन ग्राम चौकीदारों के बारे में सोचा नहीं जाता? ये ग्राम चौकीदार अगर चाह ले तो बहुत कुछ कर सकता है, और शायद इनकी संख्या 70,000 है। 70,000 को अगर इंटू हम 3 या 4 से करेंगे तो लगभग 30-35 लाख का वोट बैंक इनके पास होता है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार अगर इन पर ध्यान नहीं देती तो इसका कारण है कि आज नहीं तो कल सरकार का पतन होना तय है। क्योंकि एक वो विभाग जिसकी पीड़ा कोई देखने और सुनने वाला नहीं है, क्योंकि ये ऐसा विभाग है जो हाथ जोड़ करके चलता है, जैन से शुरुआत करता है और कभी घमंड और अहम में नहीं जीता। लेकिन उसके बाद भी सरकार इन पर ध्यान नहीं देती। जबकि सरकार अगर इन पर ध्यान दे दे तो ये बहुत कुछ सरकार की मदद कर सकते हैं। ये गांव से लेकर स्कूल से लेकर अभी 26 जनवरी के अवसर पर भी इन लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। राम मंदिर बन रहा था, राम मंदिर की ओपनिंग हुई, वहां पर इन्होंने हिस्सा लिया। करते हैं काम लेकिन जनाब दिखाई नहीं देता, क्या करें? बच्चे कैसे पाले, कैसे पढ़ाएं? दूसरे बच्चों को देखता हूं बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, हमारे बच्चे मोहताज हैं एक छोटे स्कूल में पढ़ने को। साहब करे क्या, ये गरीबी और लाचारी हमें जीने नहीं देती, चिंता इतनी देती है कि शायद
नींद भी हमारी खुल खुल जाती है रातों में। मैं देखता हूँ कि गांव का चौकीदार क्या पीड़ा क्या दर्द से कराहता है, लेकिन ये हर किसी को नहीं दिखाई देता। क्या आप भी एक गांव के चौकीदार हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आप चौकीदार नहीं हैं तो आप इन ग्राम चौकीदार विभाग को सपोर्ट करें, क्योंकि आप सब अगर इनको सपोर्ट करेंगे तो एक दिन इस चौकीदार विभाग का उत्थान ज़रूर होगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं नूत्रपाल।